नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ हुआ था तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1919 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो देखिए इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि सन 1931 में हुआ था, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन को ये चौरी चौरा घटना के कारण से स्थगित किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी सन 1922 को हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, नाथपा झाकरी जो परियोजना है तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के कारण से जो है उन्हें प्रसिद्धि मिली थी, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर किस घटना के कारण प्रसिद्धि मिली, चंपारण सत्याग्रह के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो देखिए, आबू का जो जैन मंदिर है तो ये संगमरमर से बना है, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भरूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। तो देखिए, भरूत और अमरावती जो थे ये बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। तो इनमें से किस घटना के कारण दी गई थी, तो ये लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण से जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च सन 1931 को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था। तो ये था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 7 अगस्त सन 1905 को, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है। लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करती है, तो देखिए ये निर्भर करती है लंबाई पर, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, महात्मा गांधी समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये दक्षिण अफ्रीका में प्रयुक्त की, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है। तो ये न्यायिक शक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्ति है वो क्या है, न्यायिक शक्ति है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। तो देखिए, भारत में स्थित जो अरावली पर्वत श्रृंखला है तो ये बलित पर्वत तंत्र का उदाहरण है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने स्थगित कर दिया था। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है? तो देखिए, सैंडविच द्वीप जो है ये हवाई द्वीप को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो कौन सा स्तंभ है? तो यह है मास्की का लघु स्तंभ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए, राजगुरु को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जो है तीनों को एक ही दिन 23 मार्च 1931 को दी गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था साबरमती आश्रम से। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मीनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है? निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मीनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है? तो किसमें है? तो ये है मिलिंद पन्हो में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो देखिए, भारत का जो मार्टिन लूथर कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो देखिए, ये रजिस्टर किया गया भगत सिंह के विरुद्ध। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको इसमें गलत कथन बताना है। तो देखिए, पहला जो कथन दिया गया है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, करेक्ट है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। तीसरा जो दिया गया है, 13 मार्च 1931 के लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी, ये कथन गलत है, क्योंकि 23 मार्च को दी गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, 23 मार्च को दी गई थी, न कि 13 मार्च को। ठीक है, और चौथा जो दिया गया है, भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है, तो ये कथन भी मतलब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया था, तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए, अरविंद को जो है ये अलीपुर बम मामला में जो है गिरफ्तार किया गया था। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, आत्महत्या निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो देखिए, मीथेन जो है ये बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो ये 1915 में लौट आए थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि तो देखिए, वह इसलिए खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो निर्वात में जो है गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा जो हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काल क्रम में सही है? तो सही क्रम आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ही कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुई थी 6 अप्रैल सन 1930 को, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1930 को हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है 42 को, और कैबिनेट मिशन प्लान ये हुआ था 1946 को, ठीक है आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, महात्मा गांधी और बाबा अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो ये 1932 में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, ठीक है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं संसद के अयोग्यता संबंधित विवाद पर, ठीक है निर्णय। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को जो है ये अनिबार्न गांगुली के द्वारा लिखा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इसकी अध्यक्षता जो है ये महात्मा गांधी जी ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तो होती है 8, ठीक है आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से गैमैक्सिन का सूत्र कौन सा है? गैमैक्सिन का सूत्र है C6H6Cl6, ठीक है आंसर हो जाएगा बी। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो ये की गई थी 61वें संशोधन 1989 से, ठीक है आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है, सरकारी आयोग, राजमनार समिति और पूछी आयोग, ठीक है। 43 है, वह तत्व जो कार्बन और पानी से मिलकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करे जाना जाता है, तो ये क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह तत्व जो कार्बन और पानी से मिलकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करे जाना जाता है, तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो देखिए ये बोला था केसी वहियर ने, ठीक है केसी वहियर ने ये बोला था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, टी मापक यानी टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है चक्रवातों की शक्ति का मापन, ठीक है आंसर हो जाएगा सी। 47 है, राष्ट्रीय शिक्षा सार्जेंट योजना कब तैयार की गई थी? तो देखिए ये तैयार की गई थी 1944 में, ठीक है आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ पर होता है? पलिहा में होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए केन्स अवार्ड जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी?
तो सरदार की पदवी जो है ये दी थी गांधी जी ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। गांधी के डांडी मार्च का संबंध किससे है? तो देखिए डांडी मार्च का जो संबंध है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत ये तो बता ही चुके हैं 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दीव। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है ये उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर से इसे नहीं बल्कि इसे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आपको याद रखना है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। संगीत का एक वाद्य यंत्र जैलोफोन विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र एक्यूमुलेटर और उच्च ताप मापने का यंत्र कौन सा है? पाइरोमीटर। ठीक है, पाइरोमीटर के द्वारा उच्च ताप मापा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देखिए इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे सी आर दास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र को जो है ये दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार जो है ये एजी बैटिंग ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ जी बैटिंग ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो देखिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है आवर्त सारणी में ये धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? तो देखिए ये गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी। नोना माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? तो देखिए ये अवस्थित है असम राज्य में। आंसर हो जाएगा ये। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो देखिए उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनोर। ठीक है, एनोर बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो देखिए अल्फा और बीटा कणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? तो देखिए लुसाका जो है जाम्बिया का राजधानी है। ठीक है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा मिलान गलत है, कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पर चौथा गलत है, महेंद्रगिरी पर्वत जो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, आपको याद रखना है उड़ीसा में है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। दोदा बेटा तमिलनाडु में, गुरु शिखर राजस्थान में और गोरखनाथ पर्वत ये गुजरात में है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? तो कौन सी अनुसूची है? तो यह है 12वीं अनुसूची, आपको याद रखना है 12वीं जो अनुसूची है ये नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो महामना की पदवी जो है ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वस्तुकार कौन थे? तो देखिए इसके जो वस्तुकार थे वो थे उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर है 382। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार।
1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो अन्य नेता थे चित्रंजन दास। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन थे? चित्रंजन दास थे। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, रियाल जो है सऊदी अरब का मुद्रा है। आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 75 है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दूसरा, यह है अफ्रीका। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। सी करेक्ट हो जाएगा, 77 है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे निषिद्ध करता है? तो ये बाल मजदूरी से निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे निषिद्ध करता है? बाल मजदूरी से। ठीक है, आपको याद रखना है। सौर चरखा मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? सौर चरखा मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पुस्तक डार्कनेस टू लाइट के लेखक कौन है? पुस्तक डार्कनेस टू लाइट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लमार ओडोम। ठीक है, पुस्तक डार्कनेस टू लाइट के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक हैं लमार ओडोम। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कार्य करती है? तो देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो है ये अपकेंद्रण पर कार्य करती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, युवा बंगाल आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन डेरोजियो ने आरंभ किया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, कोयला एक उदाहरण है? तो देखिए, कोयला जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है। सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 84 है। मधुमेह निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो मधुमेह जो है पैंक्रियाज को प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा ये। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर स्थापित किया था? तो न्याय की जंजीर जो है ये स्थापित किया था जहांगीर ने। आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित देशों के बीच सीमा रेखा है? डूरंड लाइन मतलब निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। आंसर हो जाएगा बी। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो देखिए, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। आंसर हो जाएगा ए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, हाइपो का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 89 है। एक से अधिक जातियों का समूह जो स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जैव समुदाय बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है? तो 9 किस खिलाड़ियों की मतलब किस खेल में होती है खिलाड़ियों की संख्या? खो खो में होती है। आंसर हो जाएगा डी, 91 है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्टेट ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? स्टेट ड्यूमा किस देश के संसद का नाम है? तो ये है रूस के संसद का नाम। आंसर हो जाएगा डी, 93 है। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ये किया था 1919 में। ठीक है, 1919 में रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो ये था जनरल डायर था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी? तो महात्मा गांधी जी ने इनमें से किस संस्था की मतलब
स्थापना नहीं किए थे, तो विश्व भारती की स्थापना नहीं किए थे, ठीक है। बाकी ये तीनों साबरमती, सेवाग्राम और फिनिक्स आश्रम, तीनों की मतलब तीनों आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधीवादी विचारधारा का सारत तत्व क्या है? तो इसका सार तत्व है सत्याग्रह, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए 97 है। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का संपादन किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरोजनी नायडू को नाइटिंगल ऑफ इंडिया खिताब किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 99 है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे, ठीक है। 100 है। स्वतंत्रता के समय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारतीय पूछा गया है, आपको याद रखना है भारतीय पूछा गया है, तो भारतीय जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है, ऑप्शन है आपके पास 1947 में बंगाल के विभाजन से, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1921 के असहयोग आंदोलन से और 1947 के पंजाब के विभाजन से। सही आंसर आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है, ठीक है। तो दोस्तों आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेन करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।